सदर लोकसभा से सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी राम भुआल निषाद गुरुवार को एक और सेट में लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव और अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी न्यायालय रिटर्निंग अफसर के विजेंद्र पांडेन के समक्ष पर्चा दाखिल किया। इस संबंध में राम भुआल निषाद ने बताया कि कल ही पर्चा दाखिल किया गया था, एक कॉलम छूट गया था जिसका सुधार कर आज पुनः दाखिल किया गया है। इस दौरान मनोज निषाद, देवनाथ यादव, सुनील निषाद, पट्टू खरवार, चुल्लू निषाद, संतोष यादव आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गठबंधन प्रत्याशी राम भुआल निषाद ने कहा, में पर्चा दाखिला हुआ है, एक कॉलम छूट गया था उसी को सुधार करके आज जमा किया गया। कोई नहीं लड़ाई में है, यहाँ गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ रही है, बाहरी और लोकल की लड़ाई है। भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं था तो इस नाचने वाले को लाए हैं लोग कि यहाँ हार तो भाजपा की निश्चित है, तो हार का ठीकरा उस कैंडिडेट पर फोड़ा जाए जो कल यहाँ क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा।